Hello guys, welcome back to Smart Beauty. So let's get started. हाँ तो आज हम बात करेंगे what's in my bag. So I have this छोटू सा cute सा bag जो कि मैं daily carry करती हूँ और वैसे मैं office में दूसरा bag use करती हूँ, office नहीं लेकर जाती हूँ, but ये bag जो है ये मुझे कहीं बाहर जाना होता है कोई urgently और या फिर अपनी meeting में जाना होता है then I carry this bag. तो daily मैं क्या carry करती हूँ अपने bag में, कभी कभी office भी ले जाती हूँ इस bag को. तो क्या कैरी करती हूँ अपने बैग में, व्हाट्स इन माय बैग, चलो स्टार्ट करते हैं. सो ये है मेरा बैग छोटू सा और ये देखिए आप, ये रोज़ गोल्ड कलर का बैग है. इसके पीछे भी एक चैन है जिसमें मैं मनी और कभी कभी अपनी कीज़ रखती हूँ. और इस बैग में आगे ये हैंडल बना हुआ है, इसमें एक स्लिंग भी लगा हुआ है, आप चाहें तो इसे टांग सकते हैं. वैसे ऑब्वियसली कैरी करती हूँ टांग कर और कभी कभी बिना इसके सिर्फ इसके हैंडल से लेके जाती हूँ. बहुत अफोर्डेबल है, बहुत ही कंफर्टेबल है इसको कैरी करना. इसमें बहुत सारा सामान है, तब भी आप देखेंगे इसमें कितना सारा सामान मैंने कैरी कर लिया है. तो चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं आप, और मैं इसे खोलती हूँ क्योंकि सारा सामान मेरा इसके अंदर ही रहता है. देखते हैं इसमें क्या क्या है. सो ये है इसका एक कंपार्टमेंट यहाँ पर, ये हम कंपार्टमेंट यहाँ से खोलते हैं तो इसके अंदर सामान भरा हुआ है मेरा. देख लो, देखती हूँ मैं इसमें क्या क्या है, आपको दिखाती हूँ. हो सकता है इसमें कुछ ऐसा भी हो, मुझे भी नहीं पता. तो सबसे पहले मैं कैरी करती हूँ अपना पर्स, ऑब्वियसली वॉलेट इज़ मस्ट फॉर अस. तो मैं कैरी करती हूँ अपना वॉलेट और इसमें मैं रखती हूँ कुछ कैश मनी. दैट्स इट, आई विल नॉट शो यू दिस. सो दिस इज़ माय बैग पर्स दैट आई कैरी विद मी. नेक्स्ट थिंग विच आई कैरी, दिस इज दैट हैंड सैनिटाइज़र. इट इज़ मस्ट पीपल, हर लड़की को अपने पर्स में एक हैंड सैनिटाइज़र ज़रूर रखना चाहिए. बहुत सिंपल होता है इसे अप्लाई करना, खोलिए और इसके एक दो ड्रॉप अपने हैंड पे यूँ स्प्रिंकल कीजिए और उसके बाद आप इसे यूँ करके अपने हाथों पे लगा लीजिए और आप हो जाते हैं. इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी है, इसका ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं है और ये आपको हाइजीन रखता है. तो मैं इसे हमेशा अपने साथ कैरी करती हूँ. नेक्स्ट मैं रखती हूँ अपने साथ ये मेरा ईयरफोन्स. यस, दिस इज, दीज आर माई ईयरफोन्स. तो मैं इस बॉक्स के अंदर अपने ईयरफोन्स कैरी करती हूँ. यस, कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है तो वीडियो बनाने में भी, और कभी कभी वैसे भी टाइम में यूज़ करने के लिए, कॉल्स के लिए भी, तो मैं अपना ईयरफोन कैरी करती हूँ अपने साथ. नेक्स्ट आई कैरी माय हेयर बैंड, एज़ मेरे बाल लंबे हैं तो मुझे ऑब्वियसली हेयर बैंड की ज़रूरत पड़ती है. तो मैं हेयर बैंड यूज़ करती हूँ और दिस इज़ माय हेयर बैंड दैट आई यूज़ इट कभी कभी इमरजेंसी के लिए. नेक्स्ट मैं यूज़ करती हूँ क्या है नेक्स्ट, यस मेरा क्लचर. तो मुझे बन बनाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, मैं अपने बन बना के रखती हूँ. अभी मैंने बन बना रखा है कुछ ऐसा, तो मैं बन बना कर रखती हूँ और ये डबल सिंग वाला क्लचर है. तो इसमें बाल एक बार आप लगा लेते हो इसको तो ये कभी निकलता नहीं है वापस से. तो मैं इसको कैरी करती हूँ अपने साथ हमेशा, ये क्लचर मेरे साथ हमेशा रहता है. कभी मेरा मन होता है मैं अपने सारे बालों को यूँ हैंग करके और इन्हें बन बना लेती हूँ. और नेक्स्ट मैं कैरी करती हूँ अपनी हैंड क्रीम. सो ये मेरी हैंड क्रीम है नीविया सॉफ्ट की और ये बहुत ही अफोर्डेबल है, बहुत ही अच्छी है. मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, ये थोड़ा सा हाथ पे आप मॉइस्चराइज़ करते हो, आपके हैंड मॉइस्चराइज रहते हैं और इससे अच्छे रहते हैं. सो मैं यूज़ करती हूँ अपनी ये हैंड क्रीम और उसके बाद मैं लेती हूँ ये लिप बाम. दिस इज़ माई लिप बाम और ये चैप्ड लिप बाम है, वेरी नाइस लिप बाम, इट इज़ टिंटेड लिप बाम. तो इसमें कोई कलर नहीं होता है, तो कभी मेरे होंठ फटते हैं गर्मियों में, सर्दियों में, समय सर्दियाँ चल रही है, होंठ बहुत ज़्यादा फटते हैं, तो मैं ये टिंटेड लिप बाम यूज़ करती हूँ. नेक्स्ट मैं यूज़ करती हूँ ये कलर्ड लिप बाम, दिस इज़ आलिया भट्ट का है ये न्यूली. तो मैं लिपस्टिक नहीं लगाती हूँ ज़्यादा क्योंकि उससे होंठ काले हो जाते हैं, तो मैं ये लिप बाम यूज़ करती हूँ. एक स्वैच लगा के ही एक लाइट पिंकिश सा कलर मिल जाता है आपके लिप्स को, ये बहुत ज़्यादा ग्लॉसी भी होता है. तो मैं करती हूँ ये कलर्ड लिप बाम, मुझे अच्छा लगता है. एंड ये मैं कभी कभी यूज़ करती हूँ, इसको मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, बट इसको तो मैं डेली यूज़ करती हूँ, इसको मैं डेली बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ. ये सूख जाता है जब 4-5 घंटे बाद ये सूख जाता है, बहुत ज़्यादा लिप चैप्ड हो जाते हैं, तब मैं इसे यूज़ करती हूँ, बट मैं हमेशा अपने पास में रखती हूँ अपने साथ में. नेक्स्ट मैं नेक्स्ट मैं लेकर जाती हूँ अपना मास्क, क्योंकि सर्दियों में बहुत ज़्यादा यहाँ पर हो जाती है, दिल्ली में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है और यस ऑब्वियसली, सो आई पुट दिस मास्क विद मी ऑलवेज. सो मास्क मैं हमेशा अपने साथ रखती हूँ. मैं रखती हूँ मिंट अपने पास में, मिंट्स आर माई फेवरेट वन. तो यस, मुँह से बदबू ना आए खाना खाने के बाद थोड़े टाइम बाद, मैं मिंट ज़रूर यूज़ करती हूँ. तो मिंट मेरे पास हमेशा पड़ी रहती है. मिंट पॉकेट
फ्री वाली है तो पॉकेट में भी रख सकते हैं हम, लेकिन मैं इसे हमेशा अपने साथ कैरी करती हूँ। नेक्स्ट आई कैरी अ पेन। एज सबको पता है मैं टीचर हूँ तो ऑब्वियसली कभी कुछ लिखना पड़ जाता है, कुछ हो जाता है, ज़रूरत होती है, तो मैं करती हूँ कैरी पेन। और उसके बाद यस एक सेफ्टी पिन मेरे पास, सेफ्टी पिन हमेशा रहती है। सेफ्टी पिन मेरे पास इसलिए रहती है क्योंकि कभी ज़रूरत पड़ जाती है किसी, मुझे नहीं किसी और मेरी फ्रेंड को ज़रूरत पड़ जाती है, तो मैं एक सेफ्टी पिन अपने पास रखती हूँ। नेक्स्ट आई कैरी माई कीज़। सो दीज आर माई हाउस कीज़ एंड आई लव दिस की रिंग। सी आई लव दिस की रिंग, सो आई स्पेशली बॉट दिस की रिंग फॉर माई हाउस कीज़। सो दिस इज़ माई हाउस कीज़ एंड आई लव दिस की रिंग। एंड नेक्स्ट इज़ माई ऑफिस की। दिस इज़ माई ऑफिस की, सो ऑब्वियसली ऑफिस की भी जरूरत पड़ती है।